में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जो है द स्टडी ऑफ पोएट्री जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था, इसका इंग्लिश में जो है वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। और आज हम लोग जो है इसी टॉपिक पर जो है जो वीडियो बना रहे हैं वो उसका हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आएगा ये चीज़। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पहले पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि मैथ्यू अर्नोल्ड के कविता का अध्ययन के आदर्शों का मूल्यांकन करें। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं कविता के सम्मान के प्रति उत्सुक निरीक्षणकार थे। उसने जो है मानव के क्रियाकलापों तथा इसका भविष्य और अंदरूनी अनुभवों को समझा था। मैथ्यू अर्नोल्ड अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के बड़े विचारक तथा उपन्यासकार व नाटककार थे। मैथ्यू अर्नोल्ड अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में सभ्य व शिक्षित व्यक्ति थे। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने कविता में भावुकता तथा आदर्शों को समाहित किया है। उन्होंने अपने कविता में बड़ा अमिट प्रभाव डाला है। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि कविता के विस्तार के बिना विज्ञान अपूर्ण प्रतीत होता है। आत्मज्ञान और कविता का मानक रूप एक दूसरे से संबंधित है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने सुझाव दिया है कि एक अच्छा कवि मानवीय उपन्यास के भाग तथा क्रियाकलापों के द्वारा द्वंद्वित नहीं किया जा सकता है। अर्नोल्ड ने अनुभव किया है कि कविता अपने अंदर पूर्णतः गंभीर सोच शक्तिशाली गठन थामने वाला तथा हर्ष अपने अंदर रखता है। निश्चित रूप से पठन कविता में जरूर होनी चाहिए। सोच और विचार जो इसका अहम हिस्सा है वास्तव में उनका काव्यात्मक न्याय है। उन्हें उनके कविता के परिस्थितियों के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हर चीज कवि के वास्तविक चरित्र पर निर्भर करता है। यह उन्हीं से फलता फूलता है। वास्तव में एक मनुष्य को वास्तविक कविता अपने खुली आँखों से पढ़ना चाहिए। मैथ्यू अर्नोल्ड ने विस्तार किया है कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को तथा कार्यों को काव्यात्मक बनावट के सिद्धांतों के रूप में रखना चाहिए। आगे देखते हैं, अर्नोल्ड अनुभव करते हैं कि ऐतिहासिक कला ऐतिहासिक दृश्य स्वाभाविक रूप में अनुपस्थित नहीं हो सकता। यदि कोई आलोचक सही रूपों में कविता की रचना करता है तब उसे पूर्ण लाभ मिलता है। उसे इस कविता का न्याय सही में बेहतरीन ढंग से अवश्य करना चाहिए। कविता में किया गया भाषा युद्ध तथा शुद्ध तथा स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि कविता में किया गया भाषा शुद्ध व स्पष्ट होनी चाहिए। मैथ्यू अर्नोल्ड ने सही मायने में जताया है कि उपस्थित तथा अनुपस्थित कविता की गुणवत्ता उच्च हो बजाय छोटे पंक्ति या
छोटे पैसेजों के। एक कविता सामान्यतः अपने क्षमता उच्च कविता के गुणवत्ता में निर्णय करता है और एक आलोचक अपने कविता को सही रूप में कविता की शैली सही कला का मौलिक भागों को प्रस्तुत करता है। सुंदरता का मूल्य कविता की गरिमा को आकर्षित करता है। यह जरूरी है कि उच्च सत्य और गंभीरता कविता को बेहतर बनाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बेहतर पात्र सही रूपों में उसकी गंभीरता इत्यादि को सही मायनों में व्यक्त किया है। मैथ्यू अर्नोल्ड और भी कहते हैं कि कविता ध्रुव सत्य होनी चाहिए अपने विचारों के द्वारा। अंततः मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने बड़े विचारों, सोच तथा आदर्शों को तथा मौलिक समझ को कई तरह से, कई रूपों में एवं बेहतर तरीके में वर्णन किया है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।